गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ बच्चों सब्जेक्ट है आपका एस एस टी सो प्लीज़ ओपन योर एस एस टी बुक और इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा न्यू लेसन होगा तो देखते हैं लेसन तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव एनवायरमेंट हमारा एनवायरमेंट ओके okay? तो देखते हैं इसे आप भी बुक खोलिए और इसे देखिए ध्यान से टिल नाउ वी हैड नो

नाउ वी शेल स्टडी अबाउट एनवायरमेंट इन अ न्यू वे लेकिन आज जो हम एनवायरमेंट को पढ़ने जा रहे हैं उसको एक नए तरीके से हम पढ़ेंगे सच एज वी नो दैट ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंगस वी सी अराउंड अर्स आर सीन टू बी एफेक्टेड बाई रेन हमारे आस पास हमें पता है कि हमारे आस पास जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या हैं वी सी अराउंड अर्स आर सीम टू बी अफेक्टेड वो किससे अफेक्ट होती हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो तो वो किससे अफेक्टेड होती हैं किससे प्रभावित होती हैं रेन से बारिश से हीट हीट से और कोल्ड कोल्ड से बारिश से प्रभावित होती है गर्मी से प्रभावित होती है और सर्दी से प्रभावित होती है ई टी सी एंड वी कैन प्रॉपरली से दैट ऑल द ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ मेक अप इट्स एनवायरमेंट तो इस तरह से हम कह सकते हैं चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो वो क्या करते हैं ऑन द अर्थ मेक अप इट्स एनवायरमेंट तो वो अपना क्या बनाते हैं एक एनवायरमेंट बनाते हैं द नॉन लिविंग थिंग द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट होता है हिस्सा होता है इंक्लूड्स थ्री मेन पार्ट्स तो जो एक नॉन लिविंग पार्ट होता है एनवायरमेंट का उसमें क्या होते हैं तीन पार्ट होते हैं कौन कौन से एक एटमोसफेयर है एक हाइड्रोसफेयर है और एक लिथोसफियर है नॉन लिविंग के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं नॉन लिंग एनवायरमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं कौन कौन से हैं वो एक एटमोसफेयर है हाइड्रोस्फियर है और एक लिथोस्फेयर है द एटमोस्फेयर इज द लेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर द अर्थ जो एटमोस्फेयर है वो किससे बनी हुई है उसमें एक लेयर है कौन सी एक ऑक्सीजन और अदर गैसेज अन्य गैसों की एक लेयर है जो किससे सराउंड है अर्थ से सराउंड है द ओशियन ओशियन से सराउंड है किसको सराउंड किया है इन गैसेस ने एटमोसफियर ने और अदर गैसेस ने अर्थ को ओशन को एंड अदर वाटर बॉडीज और पानी के जो अलग अलग स्रोत हैं उनको भी क्या किया है सराउंड किया है घेरा हुआ है ऑन अर्थ मेक अप द हाइड्रोस्फेयर तो पानी वाटर बॉडीज से क्या सराउंडेड है वाटर बॉडीज द लिथोस्फियर कंसिस्ट ऑफ द रॉक्स और लिथोस्फीयर में क्या कंसिस्ट है किससे बना हुआ है रॉक से बना है चट्टानों से बना है सॉइल से बना है प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर चाहे प्लांट्स हों एनिमल्स हों या फिर ह्यूमन बींग्स हों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं निर्भर करते हैं डिपेंड करते हैं एज वेल ऑन द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरमेंट टू सर्वाइव एक दूसरे के ऊपर ये लोग डिपेंड करते हैं एज वेल एज ऑन द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट टू सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर ये लोग डिपेंड करते हैं द बायोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट वेयर लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव बायोस्फेयर वो हिस्सा है एनवायरमेंट का बायोस्फेयर वो हिस्सा है जिसमें क्या होता है लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं जीवित रहते हैं बायोस्फेयर में ठीक है तो अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लेथोस्फेयर को पढ़ेंगे तो देखिए लेथोस्फेयर द लेथोस्फियर इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ सॉयल रॉक एंड सॉलिड रॉक एंड सॉयल तो लिथोसफियर अर्थ का वो सरफेस है वो हिस्सा है वो सतह है, है जो किससे बना है सॉलिड रॉक चट्टानों से बना है कठोर चट्टानों से और मिट्टी से बना है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट इसको क्रस्ट भी कहा जाता है इट इज दिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ये सबसे पतली लेयर होती है अर्थ की बिलो द लिथोसफेयर और क्रस्ट वी हैव टू मोर लेयर्स कॉल द मैंचल एंड द कोर इसी में दो लेयर्स पाई जाती हैं जो कि कहलाती हैं मेंटल एंड कोर द मेंटल इज द मिडिल लेयर मेंटल जो है वो मिडिल लेयर होती है विच इज़ थिकर जो कि थोड़ी सी क्या होती है मोटी होती है देन द the क्रस्ट क्रस्ट से थोड़ी मोटी होती है मिडल लेयर बट थिनर देन द कोर लेकिन कोर से थोड़ी मोटी होती है द मेंटल कोर कैन बी फाउंड बिलो द कंटिनेंट्स जो मेंटल कोर होता है वो कहाँ पाया जाता है कॉन्टिनेंट्स के निचले सतह में पाया जाता है एंड अंडर द ओशियन और ओशियन के अंदर पाया जाता है एज वी गो डीपर इन टू द अर्थ अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं इट गेट्स हॉट तो क्या है पृथ्वी कैसी है हॉट है एंड हॉटर इट गेट्स हॉटर एंड हॉटर लेकिन अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएँ तो क्या होता है पृथ्वी गर्म से गर्म होती चली जाती है एंड द प्रेशर इंक्रीजेज और जो प्रेशर है जो दबाव है वो बढ़ता जाता है दर हैज़ टू पार्ट्स कोर के दो पार्ट होते हैं आउटर एंड इनर कोर कोर के टू पार्ट्स हैं आउटर एंड इनर कोर द आउटर कोर इज़ लिक्विड एंड द इनर कोर इज़ सॉलिड जो आउटर कोर है वो कैसा है वो लिक्विड है ठीक है और जो इनर कोर है वो कैसा है सॉलिड है ठीक तो अभी आगे ना बढ़ते हुए मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ ताकि आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लें यहाँ तक उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है एक बार आप इसको रीड करिए समझिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे